अरे जल्दी जल्दी चलो, इन्हें तालाब पर ले जाकर पानी भी पिलाना है। इतनी भी जल्दी क्या है तुम्हें भाई, चल तो रहे हैं। चल चल। कौन लोग हैं भाई, यहाँ कैसे बैठे हैं? आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ हमारे महाराजा के ऊंट बैठते हैं। आप यहाँ से जाइए। ख्वाजा साहब ने फरमाया, आपके ऊंट तो कहीं और भी बैठ सकते हैं, मगर सिपाही नहीं माने और ख्वाजा साहब को चले जाने को कहा। ख्वाजा साहब ने फरमाया, ठीक है भाई, हम चले जाते हैं, अब यहाँ राजा के ऊंट ही बैठेंगे। ख्वाजा साहब का काफिला वहां से रवाना हो जाता है। दूसरे दिन सुबह जब सिपाहियों ने अपने ऊंटों को खड़ा करने की कोशिश की तो एक अजीब व गरीब वाकया पेश आया। ऊंट अपनी जगह से उठने को तैयार न थे। सिपाहियों ने ऊंटों को उठाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर ऊंट अपनी जगह से कस से मस न हुए। लगता था जमीन ने उन्हें चिपका लिया। आखिर थक हार कर सिपाही राजा के पास पहुंचे और सारा माजरा बयान किया। महाराज की जय हो। महाराज एक समस्या है, महाराज ऊंट धरती से चिपक गए हैं और वो उठने का नाम नहीं ले रहे। महाराज कल शाम जब हम अपने ऊंटों को बैठाने गए थे तो वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे, हमने उन्हें वहाँ से भगा दिया। राजा को अपने सिपाहियों पर गुस्सा आ गया और उन्हें हुक्म दिया, जाओ उन्हें ढूंढकर उनसे माफी मांगो। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। अरे भाई इधर तो कोई नजर नहीं आ रहा, देखो आपको दिख रहा है कुछ? मेरे को तो कुछ नजर नहीं आ रहा। चलो आगे चल के देख लो भाई, वो पानी के किनारे सिपाहियों को ख्वाजा साहब का काफिला एक पहाड़ी पर नजर आ गया। चलो भाई चलो देखते हैं। प्रणाम बाबा, हमारे ऊंट धरती से चिपक गए हैं बाबा, हमें क्षमा कर दो। सिपाही ख्वाजा साहब के पास जाकर बैठ जाते हैं तो वो जमीन से चिपक जाते हैं। क्षमा कर दो बाबा, क्षमा कर दो बाबा। ख्वाजा साहब से उन्होंने माफी मांगी। ख्वाजा साहब ने उन्हें माफ कर दिया और कहा, जाओ तुम्हारे ऊंट अब खड़े हो जाएंगे। चलो भाई देखते हैं ये थी ख्वाजा साहब की एक अदना सी मगर हैरत अंगेज करामत। तो चमत्कार हो गया भाई। चलो भाई चलो 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 चलो। चमत्कार है, चमत्कार।